प्रेरणा स्रोत बनकर सभी को बहुत बहुत प्रेरणा दी है। इस अनुभव की श्रृंखला में हम सबसे पहले जरावी से दीपा बहन से कहेंगे कि आकर के कुछ अनुभव हम सभी के साथ शेयर करेंगी। दीपा बहन शांति। आज बेहद खुशी का दिन हम सब बाबा की और प्यारी दादी की बगिया के चुने हुए पुष्प ऐसे ही चमकते रहे। खुशी है हमें बाबा ने दादी को निमित्त बना करके हम सबको उस माला में कैसे संजोया है और आगे ये माला दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। खुशियों भरा ये साल हर वर्ष ऐसे ही आए और हम दिल के उद्गार अपने व्यक्त करें। कैसे हम अचानक अपने भाग्य को आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा ने तो हम बच्चों को एडॉप्ट ही इसलिए किया है कि हम अपनी तकदीर को अपने हाथों से जितना लंबा चाहें उतना बना सकते हैं। ये संगम का समय है और बाबा का भी यही वरदान है कि अपने कदम को आगे से आगे बढ़ाना है। तो दादी की प्रेरणाओं से हम सब भी आगे आए। हमने तो बाबा को बाद में पहचाना था लेकिन दादी के तपस्वी स्वरूप को देखते ही हमने भी अपने जीवन का संकल्प लिया कि दादी को साथ लेकर के आगे बढ़कर बाबा का नाम ऊंचा करना है। तो आज हमारे दिल में बहुत ही खुशी है। जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है, कलियां फूलों को खिलना सिखाती हैं, ऐसे ही अपनी आदरणीय दादी जी हम बच्चों को भगवान से मिलना सिखाती हैं, मिलना सिखाती हैं। जीवन में तो कुछ न कुछ बातें आती हैं लेकिन ऐसा तपस्वी स्वरूप देखकर आगे बढ़ने की कला आप सबको भी लेनी है। हम आपको दो शब्द अभी गीत के माध्यम से सुनाएंगे। हर समय खुशहाल रहना, हर समय खुशहाल रहना, कोई इनसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना, कोई इनसे सीख ले। तो अपना अनुभव हम लोगों के बीच शेयर करें।
तभी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे भ्राता मानसिंह भाई आए। ओम शांति। ओम शांति।